बागपत में बुधवार को कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में जमकर जुलूस निकाला, जहां कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय का घेराव करने से पहले ही जबरन रोकते हुए बीच रास्ते से वापस लौटा दिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की व तीखी नोकझोंक भी हुई। संवाददाता बड़ौत के मुताबिक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी के नेतृत्व में काफी संख्या में कार्यकर्ता गुरना रोड पर उनके निज आवास पर एकत्रित हुए। वहीं कृषि कानूनों समेत अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर धरना देने का निर्णय लिया था। इस कारण पुलिस के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता गुरना रोड से हाथों में थालियां बजाते हुए रवाना हुए। वहीं बड़का रोड पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घेर लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक व धक्का मुक्की तक हुई। मैं डॉक्टर यूनुस चौधरी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बागपत। क्या कार्यक्रम किया गया है आज? आज किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये काले कानून जो 3 पास हुए हैं उन्हीं के विरोध में और किसानों के समर्थन में हम लोगों ने इस अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए थाली और ताली का प्रयोग किया। हम बीजेपी विधायकों और एमपी का आवास को घेरने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमें रोक दिया और हमारी रात से ही ये प्रशासन हमारे चौकन्ने हैं और हमें रास्ते में अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन किसानों के जो ये आंदोलन चल रहा है इसके साथ है। हम लोग जो हैं जहाँ जहाँ भी किसान इसके विरोध में बैठे हुए हैं और हम कांग्रेस के सारी पार्टी, समस्त उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ समर्थन में है, मरने और जीने में इनके साथ रहेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी और आंदोलन करती रहेगी। मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूं और बागपत संगठन अल्पसंख्यक कांग्रेस का प्रभारी हूं। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज का कार्यक्रम देखिए, आप लोगों को जैसे जानकारी है पूरे प्रदेश के अंदर किसानों पर अत्याचार हो रहा है। किसानों के विरोध में 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी, अडानी, अंबानी के समर्थन में लाए हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने प्रियंका जी के आह्वान पर एक घोषणा की थी कि जनपद के तमाम जनपदों में पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का घेराव करके ताली और थाली करके किसानों के समर्थन में हम एक संदेश देंगे। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम जनपदों से यही खबर आ रही पूरे प्रदेश से, आज भी बागपत में हमारे डॉक्टर यूनुस चौधरी जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं सम्मानित, और हमारे राकेश शर्मा जी और शहर अध्यक्ष और तमाम इनकी जिला कमेटी, शहर कमेटी और फ्रेंडल ऑर्गेनाइजेशनों के अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे और इनका एक कार्यक्रम था कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका घेराव करेंगे। लेकिन सुबह से ही योगी और मोदी की हिटलर सरकार ने पुलिस को यहाँ खड़ा कर दी और हमारे अध्यक्षों को और हम लोगों को यहाँ को सबको घेरने का काम किया, नज़रबंद करने का काम किया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश करके पुलिस का घेरा तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की और हमने अपना विरोध प्रकट किया। पूरे प्रदेश के अंदर तानाशाही रवैया है, लोग कांग्रेस के नेताओं को नज़रबंद किया जा रहा है, अघोषित इमरजेंसी लागू है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष सब मिलकर। सरकार कह रही है किसानों के हक में फैसला है और कांग्रेस गुमराह करने का काम कर रही है। देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कांग्रेस विपक्ष में कितनी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस छोटी सी पार्टी है, आज विपक्ष बहुत छोटा है भारतीय जनता पार्टी के सामने। 303 सांसदों वाली पार्टी इस बात को कह रही है छोटे से विपक्ष ने गुमराह कर दिया। अगर किसानों के हक में फैसला है तो पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश का किसान क्यों बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, दिल्ली को घेरे पड़ा है क्यों? मैं अभी आ रहा था बागपत में गाजियाबाद से, जगह जगह किसानों के प्रदर्शन चल रहे हैं, जगह जगह किसान रातों को अपने घर छोड़ करके सड़कों पर पड़ा हुआ है। अगर किसान के हक में ये फैसला है तो किसानों को तो खुशी मनानी चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, लेकिन किसान रो रहा है खून के आंसू कि हमारी जमीन को और हमारी फसल को अदानी अंबानी के हाथ में इस सरकार ने बेचने का काम किया है। किसानों के साथ रात दिन खड़े रहेंगे। इस देश को चलाने वाला अगर जो कोई है तो देश का अन्नदाता किसान है और यह किसानों की धरती है, ये चौधरी चरण सिंह की धरती है। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हम लोगों को उनकी प्रतिमा पर नहीं जाने दिया जा रहा है, इससे बड़ा दमन इस प्रदेश की सरकार का और इस प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता।